सौ रुपए से ऊपर सैकड़ा पार कर लिया हो जब डीजल और पेट्रोल ने, क्या आपको डराता नहीं है? और अब क्या आपको, क्या आपको आम आदमी के लिए बुरा नहीं लग रहा पेट्रोल के दाम 100 के पार जा रहे हैं? ऐसी हालात में हम राज्यों को दोष दें, केंद्र को दोष दें, पिस रहा है तो आम आदमी। यहाँ देश में इस समय महंगाई तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जियां, खाने का तेल, एलपीजी सिलेंडर, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में जनता की उम्मीद मीडिया पर आ खड़ी होती है कि वह उनकी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाए, पर मीडिया में इस मुद्दे पर डिबेट तो नहीं हो रही है। तो हमने इस साल में गोदी मीडिया की महंगाई पर हुई डिबेट की कुछ वीडियोस निकाली हैं, जिसमें सवाल बीजेपी से हो रहे हों और वो भी मीडिया के द्वारा। न्यूज नेशन पर उत्तर प्रदेश चुनावों के मुद्दे पर हुई डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता ने महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, तो एंकर दीपक चौरसिया ने पेट्रोल के बढ़ते दामों पर सवाल बीजेपी के नेता से कर दिया। जब वे बात को गोलमोल घुमाने लगे तो एंकर ने उन्हें फिर वही सवाल किया। पराजिता जी बताइए, महंगाई 100 रुपए से ऊपर सैकड़ा पार कर लिया हो जब डीजल और पेट्रोल ने, क्या आपको डराता नहीं है? अभी एक बच्ची ने बोला, शिवानी सिंह ने, कि महंगाई बिल्कुल चरम पर है। क्या आपको ये मुद्दा डराता नहीं है कि आपकी जितने पॉजिटिव हैं सबको एक एक झटके में ये निगेटिव कर सकता है? देखिए, मैं कह दूं कि विकास एक प्रक्रिया है और ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने में समय लगता है। उन 13 वर्षों की बात करें, तब इन 5 वर्षों की आप बात करें, अभी तो 4.5 वर्ष ही हुए हैं। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देख लें, हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। हमारी स्थिति बड़ी खराब थी 2017 के पहले। बातें मान रहा हूँ, जैसा की अमित शाह जी ने कहा, आपने भी मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो 100 नंबर पे थे पेट्रोल और डीजल, क्या ये आपको डरा नहीं रहा है? क्योंकि आम आदमी इसको लेके कंसर्न है, आम आदमी इसको लेके प्रभावित है, आम आदमी इसको लेके डरा हुआ है, आपका कोर वोटर है। पर कैपिटा इनकम भी तो बढ़ा है दीपक जी। कुछ महीने पहले न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवकर ने अपनी डिबेट में महंगाई के मुद्दे पर बात की थी। तब उन्होंने सवाल एलजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता से महंगाई पर किया था, जिसमें एंकर फटकार लगाते ही नजर आ रहे थे। गौरव, आपका वक्त है। देखिए, आप कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस के टाइम पे एक भ्रष्टाचारी डायरी थी, भ्रष्टाचार डायन थी, तो कांग्रेस चुनाव अपना हार गई, 2 लगातार चुनाव हार गई, इतिहास में बहुत बुरी हार हुई। लेकिन अब आपकी सरकार है, कांग्रेस की हार से और कांग्रेस के भ्रष्टाचार से आप आज की परिस्थिति को दबा या छुपा नहीं सकते। अगर आप सरकार में है तो जवाबदेही भी आपकी है। अभी आपके सहयोगी पार्टी ने बोला कि तेल के बढ़ते हुए दाम से आम आदमी को प्रसन्नता होगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ऐसी पॉलिसी रही भारत की कि निर्भरता कच्चे तेल पे रही, हमें और भी सोर्सेस और साधन जो है इकट्ठे करने होंगे। और अब क्या आपको, क्या आपको आम आदमी के लिए बुरा नहीं लग रहा पेट्रोल के दाम 100 के पार जा रहे हैं कई शहरों में? मैं उसका भी उत्तर देता हूं। डोंट यू फील बैड फॉर द कॉमन मैन? बिल्कुल। आज 36% पूरे भारत में सबसे ज्यादा वैट कहीं है तो राजस्थान में है। अब उसका क्या लेना देना है? भाजपा करे वादा, कराओ वादा करेंगे तो हम भी काटेंगे। अरे, कुछ हफ्ते पहले आज तक पर महंगाई के मुद्दे पर डिबेट हुई थी। इस डिबेट में एंकर ने सवाल बीजेपी प्रवक्ता से किया, तो प्रवक्ता ने बार बार विपक्ष पर सवाल उठाया, जिसके बाद एंकर ने अपने सवालों में उन्हें घेरना शुरू किया कि जितना हिस्सा केंद्र के पास आता है वित्त आयोग की 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद, क्या उसमें से 40% हिस्सा जाता है कि नहीं? 40 से था पहले, अब 60% जाता है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। तो जो केंद्र का हिस्सा उतने में से उतना हटा दीजिए, वो भी राज्यों को जा रहा है। मैंने इसमें एक भी बात गलत नहीं बोली है। तो और अगर राज्य सरकारों में से एक भी राज्य सरकार, ये आम आदमी तो परेशान है ना, अब ये राज्य वैट बढ़ा रहा है या एक्साइज ड्यूटी केंद्र बढ़ाए, लेकिन आम आदमी की जेब खाली हो रही है ना, और जो सबसे ताकतवर होता है देश में उम्मीद भी उसी से की जाती है। ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो उम्मीद आपसे की जाएगी या कांग्रेस शासित राज्यों से की जाएगी? नहीं नहीं, एक वाक्य और पूरा कर। सुधांशु जी, देश में अगर सबसे ज्यादा किसी एक राज्य की किसी एक हिस्से में पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं तो वो है मध्य प्रदेश का सिवनी। 113.28 रुपए वहां पर दाम चले गए हैं। ऐसी हालात में हम राज्यों को दोष दें, केंद्र को दोष दें, पिस रहा है तो आम आदमी। यहाँ पर आप ही पहल कीजिए कहीं पर। एबीपी न्यूज की पत्रकार रूबिका लियाकत ने भी अपनी डिबेट में महंगाई के मुद्दे को कुछ महीने पहले उठाया था। उन्होंने इस मुद्दे पर बीजेपी नेता से भी सवाल किया, पर आम आदमी को राहत कब, इस पर कोई जवाब नहीं मिला। लगातार 11वां दिन पेट्रोल और डीजल के दाम देश भर में बढ़ रहे हैं। कहीं पेट्रोल 100 के पार है, कहीं 100 के कुछ नीचे है, लेकिन है बिल्कुल आसपास ही। जनता त्राहिमाम कर रही है, टंकी फुल कराने पर जेब खाली हो रही है, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। मानो सरकार ने पेट्रोल और डीजल के सहारे ही अपना सारा खजाना भरने का फैसला कर लिया हो।
तस्वीरें ये बताती है कि लोग कितने परेशान हैं। पेट्रोल जो करीब 32 रुपए का आया करता था, उस पर केंद्र और राज्य सरकारें इतना टैक्स लगाती है कि कीमत 100 के पार पहुंच जाती है। बिल्कुल सही सुना आपने, 30-32 के आसपास आने वाला पेट्रोल इतना महंगा कर दिया जाता है वैट और सेस और एक्साइज ड्यूटी लगा करके कि वो 100 के पार पहुंच जाता है। डीजल हर सामान की महंगाई से जुड़ा हुआ है, जानते ना आप, सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हर चीज में डीजल की खपत महत्वपूर्ण होती है। उस पर 100% से ज्यादा टैक्स लगाकर हर सामान को महंगा किया जा रहा है। विपक्ष पिछले कई हफ्तों से लगातार इस महंगाई के खिलाफ सड़कों पर है, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। हाल फिलहाल में मीडिया अन्य मुद्दों में ज्यादा ही व्यस्त है। हम यही उम्मीद करते हैं कि मीडिया एक डिबेट महंगाई पर दोबारा करेगा और सरकार के नेताओं के सामने जनता की आवाज बनेगा। आप भी अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं और वीडियोस देखने के लिए बने रहें पंजाब टुडे के साथ। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.